उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गांव लंबोरबड़ी के शहीद योगेश के अंतिम दर्शन करने के लिए गांव में इतनी भीड़ आ गई थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अपने लाडले को अंतिम विदाई नम आंखों से दी। शहीद के पैतृक गांव में दो दिनों से गम का माहौल था। सोमवार को जैसे ही शहीद का पार्थिव देह राजगढ़ पहुंचा, ग्रामीणों की आंखें छलक उठी। शहीद के घर में कोहराम मच गया। पिता व मां सहित पत्नी व बच्चे बिलख पड़े। पूरा गांव योगेश के घर में जमा हो गया। गमगीन माहौल के बीच ग्रामीण बोले, योगेश अपना फर्ज निभा गया। देश पर कुर्बान हो हमारा मस्तक ऊंचा कर गया। हमें नाज है से बेटे पर, हमें नाज है से वीर सपूत पर। अब हमारी पहचान है वो शहीद के गांव के तौर पर होगी। परिवार जन व ग्रामीणों ने कहा कि योगेश की कमी जीवन भर खलेगी। तिरंगे में लिपटा शहीद योगेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। शहीद की बहन बबीता जोर से फफक पड़ी। पत्नी सुदेश बेसुध हो गई। ग्रामीण पिता पृथ्वी सिंह को संभाल रहे थे। इस अवसर पर विधायक कृष्णा पुनिया ने शहीद की बहन सहित परिजनों को संभाल रही थी। अंतिम संस्कार की रस्में निभाते समय शहीद के 4 वर्षीय बेटे हरदीप तथा 9 वर्ष की बेटी निशा ने पिता को आखिरी बार निहारा। वह पत्नी सुदेश ने पति के अंतिम दर्शन किए। ये हृदय वितारक मंजर देखे मौके पर लोग अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। सर्वप्रथम योगेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश सेवा करते हुए वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। एक होनहार एथलीट के रूप में वो राजस्थान के लिए पदक जीतते रहे और खेल कोटे से वो आर्मी में भर्ती हुए। और जैसे देश के एक जाबाज खिलाड़ी के तौर पर उसी तरीके से एक जाबाज देश के सिपाही के तौर पर उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। शहीद योगेश की अंतिम यात्रा प्रारंभ होने से पहले भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। पार्थिव देह से तिरंगा उतार कर सेना अधिकारी को सुपर्द किया। अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत माता की जय तथा शहीद योगेश अमर रहे नारों से आसमान गूंज उठा। जैसे ही अंतिम यात्रा शमशान घाट में पहुंची, वहां पर पैर रखने को जगह नहीं थी। लोग है वो अपने हीरो का अंतिम दर्शन करने चाहते थे। ये देखिए भीड़, देखिए आप, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और एक युवा तो देखिए पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तस्वीरें अपने हीरो को देखने के लिए हैं। अपने हीरो को देखने के लिए बच्चा है ये पेड़ पर चढ़ गया और अंतिम दर्शन करने का कितना इच्छुक है ये देख सकते हैं। भावनाएं देख सकते हैं आप अपने लाडले वीर सपूत के प्रति, कितना प्यार इनकी आंखों में, इनके दिल में है। शहीद योगेश को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सड़क परिवहन मंत्री विजेंद्र ओड़ा सहित विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया, कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान, तहसीलदार इमरान खान,
एएसपी अशोक बटोलिया, डीएसपी इस्लाम खान, थाना अधिकारी सुभाष चंद्र व पूर्व विधायक कमला कसवा, मनोज नांगली, निर्मला सिंगल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरलाल सहारण, गणपत राम ख्यालिया, राजेंद्र कालरी, भाजपा नेता प्रोफेसर दलीप सिंह पुनिया, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक ओम प्रकाश खिचड़, भाजपा के धर्मपाल स्वामी, वीर बहादुर सिंह राठौड़, जोगेंद्र सिंह फगेड़िया, पूर्व सरपंच फतेह सिंह राहड़, मान सिंह राठौड़, डॉक्टर कौशल पुनिया, वेद प्रकाश पुनिया, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह पुनिया, पीसीसी सदस्य कुलदीप पुनिया सहित शिशुपाल पुनिया, अनेकों लोगों ने है यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संजय वीडियो बनाना। भारतीय सेना की ओर से मातम में धुन बजाकर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हवा में 7 राउंड गोलियां चलाई व शस्त्र उल्टा कर शहीद को अंतिम सलामी दी। शहीद को मुखाग्नि उनके 4 सालीय पुत्र हरदीप ने दी। सरकार और केंद्र सरकार ने सारे शहीदों के लिए पैकेजेस मुहैया पहले मुकर्रर किए हुए हैं। वो पैकेजेस हम आज शहीद हुए हैं, कल से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी शहीद के परिवार को, शहीद की वीरांगना को वो सारे पैकेज दिलवा दिए जाएंगे। जब शहीद योगेश की बेटी ने जन्म लिया था तब योगेश गांव आए थे। करीब 8 माह पूर्व की बात थी। शहीद होने से पहले उनकी शनिवार को फोन पर घर से बात भी हुई है, लेकिन होना कुछ और ही था। बात करने के बाद रात्रि को आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। पृथ्वी सिंह तथा माता बिमला देवी के घर 5 जुलाई 1995 को जन्मे शहीद योगेश इकलौते बेटे थे। एक बहन बबीता शादीशुदा है। शहीद योगेश वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वो 18 केवलारी आर्मर्ड 14 राष्ट्रीय राइफल में डेपुटेशन पर तैनात थे। पत्नी सुदेश स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में कार्यरत है। भारत के वीर सपूत, भारतीय सेना के जाबांज सैनिक शहीद योगेश जाट को चूरू झलक की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।